आपका ये होगा, आपके पास 2, 4, -3, 1 एक मैट्रिक्स है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो वो मैट्रिक्स सॉल्व कैसे करेंगे? आपने करना ये होगा कि आपके पास जो वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या आएगी, 2, 4, -3, 1 ये कोई सा भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगा, आपको दे दिया जाएगा प्रूफ दैट ए इनवर्स इक्वल आई। आई क्या होता है? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1, 0, 0, 1। क्योंकि हमें ए का इनवर्स निकालना है, और इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मैं कैसे करूंगा, AD-BC जो आपके पास मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है हम वो यूज करेंगे। AD-BC का जो AD-BC होता है 2 क्रॉस 1 -4 क्रॉस -3। इस बार -3 क्यों आया? क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है वो -3 है। अब आपने क्या करवाना है, इसको मल्टीप्लाई। 2 को 1 से करवाया, 2 हो जाएगा। 4 के साथ -, लिखा हुआ है 3 के साथ -, क्योंकि जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी साइन भी मल्टीप्लाई होती है। जिस तरह माइनस माइनस, प्लस, और 4 को 3 से करवाओगे तो 12 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे 2 + 2, 2 12 + 2 ये हो जाएगा 14। यहां तक हमने क्या निकाल लिया है, डिटरमिनेट निकाल लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, एडजॉइंट होगा। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 की पोजीशन चेंज और 2 का साइन चेंज हम करते हैं। अब पोजीशन किसकी चेंज करनी है, 1 और 2 की। साइन किसका चेंज करने हैं, जो 3 है वो +3 हो जाएगा क्योंकि वो माइनस का, और जो प्लस का 4 है वो -4 बन जाएगा। बस ये आपका एडजॉइंट आ। अब आपने इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, आपने इस बार क्या करना है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स करवाना है तो आपने सिंपलीफाई नहीं करवाना। दोबारा से सुन लीजिएगा, आपने क्या करवाना है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये नीचे ए का डिटरमिनेंट हम लोग निकाल लें, ये डिटरमिनेंट है। एडजॉइंट हमारे पास क्या है, 1 -4 3 2 है, और डिटरमिनेंट कितना है, 14 है आपके पास। अब मैं 14 को कहाँ लिखूंगा, बाहर लिख सकता हूँ इस तरह, क्योंकि अभी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ फिर मैट्रिक्स से इसे करवाता हूँ तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप एलसीएम से बचने के लिए इसको मैंने मैट्रिक्स से बाहर लिख दिया, ना कि मैंने इसको सिंपलीफाई करवा दिया। ये तो मेरी कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करवाना है, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाना है। बाहर क्या था, 1/14 था, टू फोर स्टूडेंट ये ध्यान से देखिएगा, अभी हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। जिस तरह हमने पिछले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया था, ये देखिए, ये मेरी रो है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम से करवाएंगे। पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 1 से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, उसके बाद साइन कौन सी आएगी, प्लस की आएगी। 4 को 3 से मैं करवाऊंगा क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। अब 2 को -4 से करवाएं, फिर
फिर 4 को प्लस 2 से करवाएं, फिर माइनस 3 को 1 से करवाएं, क्योंकि प्लस फिर 1 को 3 से, क्योंकि हम फर्स्ट मैट्रिक्स अब हम करवा रहे हैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाया, अब सेकंड रो को सेकंड से करवाएंगे, -3 -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो हो गई हमारी मल्टीप्लीकेशन। अब थोड़ा सा हम करवाएंगे इसको सिंपलीफाई करवाएंगे, मैं जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 वन ज़ा 2, 4 थ्री ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, ये हो जाएगा 8 माइनस 8, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 14। फोर्टीन ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो रहे हैं, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो रहे हैं, ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। फोर्टीन जीरो जीरो फोर्टीन, ये हुआ हमारा। अच्छा, इस 14 वन अपॉन 14 को हमने अब अंदर मल्टीप्लाई करवाना है किससे, सब नंबर नंबरों से। 14 जीरो अपॉन 14, जीरो अपॉन 14, 14 अपॉन 14, अब ये जब कैंसिल होंगे ये आ जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। दोबारा सुनिएगा, आपने फर्स्ट रो पे फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो का पहला नंबर को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखें, टेल को टेल से करवाएं, फिर हेड को हेड से करवाएं, इसी तरह टेल जो रो है टेल पे उसको कॉलम की टेल से और रो के हेड को रो के हेड से, इसी तरह रो और कॉलम आपस में मल्टीप्लाई। हमेशा फर्स्ट जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसकी रो लेनी होती है और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को लेना होता है। जो रो होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है और जो कॉलम होता है वो टॉप टू बॉटम होता है।